सोशल मीडिया को काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं और सेफ़ प्लेसेस तो नहीं है, लेकिन यह है कि इसके अंदर कानून साजी बहुत ज़रूरी है और साथ साथ जो है इसको कंट्रोल करने के लिए भी जो है मैकेनिज्म हुकूमत को चाहिए, जो है वो बनाना चाहिए। 9 to 12 years of एज का जो क्लाइंट है, बच्चा है एक्चुअली, वो सुसाइडल टेंडेंसीज के साथ आ रहा है, वो सेल्फ इस्टीम के इश्यूज के साथ आ रहा है, लो कॉन्फिडेंस के इश्यूज उसमें इसलिए क्रिएट हो रहे हैं कि वो जो मीडिया में जो एक प्रोपगेशन है और वो जो चाहे वो फेसबुक के थ्रू हो, चाहे वो जनरली व्हाट्सएप के थ्रू हो, वो उससे इतना इन्फ्लुएंस है क्योंकि एक अंडर डेवलप माइंड है। लाइन ड्रॉ करते करते, बाउंड्रीज क्रिएट करते करते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इतना सप्रेस करते हैं कि लोग बोलने से भी डरने लगे। टारगेट ऑडियंस है जहाँ पर आपको चेंज लेके आना है, जो वोकैबुलरी आप यूज कर रहे हैं ऑनलाइन स्पेसेस पे, क्या उस वोकैबुलरी के वही मीनिंग परसीव हो रहे हैं जो आप कह रहे हैं? हम अंग्रेजी में कॉन्टेंट, हम जब अंग्रेजी में कॉन्टेंट लिखते हैं तो हमारी कॉन्टेंट जो रीच चाहे वो 5 मिलियन हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है? आप चाइना में जाके उर्दू में 2 करोड़ लोगों से बात कर रहे हैं, आपको चाइनीज नहीं बात करनी पड़ेगी। अगर हमें गवर्नमेंट को ये रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और फेसबुक का कोई यहाँ पे ऑफिस नहीं है और जितनी भी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जो है वो यहाँ से फेसबुक से जाती है, सारा पैसा उसके पास है, ये कहाँ है? इकॉनमी का तो सबसे बड़ा लॉस तो ये भी है। जी में गूगल है नहीं है, इंडिया में बैठा है, पेनिट्रेट कर रहा है, आपके जितने भी ब्लॉगर्स हैं यूट्यूबर्स हैं उनको इंडिया से वो जो है वो मॉनिटर किया जाता है। हमें इतनी सोचने समझने की सलाहियत उन बच्चों को देनी होगी जो ये खुद जज कर सके कि ये सही है और ये गलत है।